श्रोमणी अकाली दल ने मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। मंत्री की अगवाई वाली ट्रस्ट के नाते 100 करोड़ रुपए की जमीन हड़पी है। बलौंगी विच जमीन पट्टे ते देण वाला करारनामा रद्द किया जाए। सीनियर अकाली आगू बिक्रम सिंह मजीठिया ने मांग की है। बाल गोपाल गऊ बसेरा सोसायटी नूं गऊशाला लई दित्ती गई 10 एकड़ तो वध जमीन। गऊशाला की थां बैंकेट हॉल से डायग्नोस्टिक सेंटर खोलण की परवानगी भी दित्ती। ट्रस्ट बलबीर सिद्धू के घर के पते से ही रजिस्टर्ड है। इस गल का भी बिक्रम सिंह मजीठिया ने जिक्र किया है। तृप्त बाजवा वालों जमीन ट्रस्ट को अलॉट करने के मामले की जांच होनी चाहिए है। घोटाले लिए जिम्मेवार सेहत मंत्री ट्रस्ट मैंबर पंचायत विभाग के अफसर खिलाफ केस दर्ज होवे ये मांग हुण अकाली दल वालों की गई है। तो सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू से शामलॉट जमीन घोटाले का इल्जाम लगा है। शामलाट जमीन घोटाले इल्जाम दे विच की रहने सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू। अकाली दल ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। मंत्री की अगवाई वाली ट्रस्ट के नाते 100 करोड़ रुपए की जमीन हड़पी गई है। बलौंगी विच जमीन पट्टे ते देण वाला करारनामा भी रद्द किया जाए। बिक्रम सिंह मजीठिया ने मांग की है सीबीआई जांच की। इस पूरे मामले विच मांग की गई है। घोटाले लई जिम्मेवार सेहत मंत्री ट्रस्ट मैंबर पंचायत विभाग के अफसर खिलाफ केस दर्ज होवे ये भी अकाली दल ने मांग की है। तो इस लैके बिक्रम सिंह मजीठिया ने ट्वीट किया जिस विचों लिखते ने सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू ने अपनी अगवाई वाली एक ट्रस्ट के नाते मोहाली विच 100 करोड़ रुपए मुल की शामलाट जमीन पर कब्जा कर लिया है। जमीन का करारनामा फौरन रद्द कर मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। जनतक जमीन नू निजी हितों लई वरतण नू सहन नहीं किया जाएगा। पंजाब विच तेजी नाल फैल रहे भ्रिष्टाचार की एक होर उदाहरण है। असी पंजाब सरकार नू ए फैसला वापस लैण लई मजबूर करांगे। इस तो पहला हाई कोर्ट ने सिद्धू नू पिंड दरीड़ दी जमीन हड़पन तो रोकिया सी। बिक्रम सिंह मजीठिया वालों ट्वीट भी किया गया है। तो उन्होंने कहा कि घोटाले लिए जिम्मेवार सेहत मंत्री ट्रस्ट मैंबर पंचायत विभाग के अफसर खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। तो मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए है। साढ़े नाल रमन जुड़ गए ने होर जानकारी दे नाल। ता रमन ये पूरा मामला दर्शकों को तफसील विच दसो ते अकाली दल हुण की मांग कर रहा है इस पूरे मामले विच। सब तो पहले शुरुआत करके तो 2018 के नशा छुड़ाओ गोलियां के मामले में 4 करोड़ तकरीबन घोटाले की गल सामने आती है। इस तो बाद वैक्सीन और फतेह चिट का घोटाला सामने आता। तो हम जो ताजा इल्जाम लगे ने कि गोपाल गऊशाला के नाम से एक ट्रस्ट बनाया जाता। उस ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है वह सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू की 7 फेज की निजी रैच जो उन्होंने घर का नंबर 2222 आ उसके नाम से रजिस्टर्ड हैगी। और दूसरी अहम गल हैगी कि 10 एकड़ जी जमीन थी तकरीबन जी ये मार्केट जी है वैल्यू देखिए तो 100 करोड़ तो कितने वध हैगी। इसमें लैके एक ट्रस्ट बनाया जाता। उस ट्रस्ट में 33 साल जी लीज से पिंड की जमीन ली जाती है। हालांकि बीडीपो वालों सरपंच को एक नोटिस इस मामले में दर्ज किया गया। इस मामले के संबंध सारे जे डॉक्यूमेंट है बीडीओ को दफ्तर जे है जमा करवाए जाने। इस तो अगली गल यह है कि इस मामले में लैके हुण सीबीआई जांच की मांग उठी आ। कुछ जे ने मोहल मोहाली के रहने वाले बछिंदे ने उन्होंने किसी तौर पर मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख के इंटरवीन करना और नाल सीबीआई जांच करने की मांग की। और नाल दी नाल कहा कि बलबीर सिद्धू के खिलाफ जोड़ा है केस दर्ज किया जाए। अहम गल स्वाति इतने दसनी हो कि बलबीर सिंह सिद्धू के प्रधान जीती सिद्धू जे ने मोहाली कारपोरेशन के चेयरमैन ने पिछले दिन ही एक स्टेटमेंट जारी की थी। बयान दिता कि जी बलौंगी है उसको जल्दी ही मोहाली कारपोरेशन शामिल किया जाएगा। यानी कि सर जरा पिंड है बलौंगी और पिंड ना रह के किसी तौर पर कारपोरेशन का हिस्सा भी जल्दी बन जाएगा। जो जी 10 एकड़ जमीन हैगी सीधे तौर पर पिंड की मलकीयत जी है उससे खत्म हो जाए। और जो जमीन ली गई है वह गऊशाला के नाम से ली गई है और जो उस को अधिकार मिले उस गऊशाला के नाल कोई भी होर उसारी भी कर सकते हैं। लिहाजा जे है स्थानक वासी ने वह कह रहे हैं कि 33 सालों के दौरान जी है ये जमीन से कब्जा हो जाएगा। सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू अपने सियासी जे है दाखले के नाल और सियासी ताकत के नाल अपने कारपोरेशन के भी अपने हमायतियों के नाल जमीन सीधे तरीके हड़प रहे हैं। इस मामले के फौरन जी है मुख्यमंत्री इंटरवीन करके सीबीआई जांच में हवाले किया जाए ता जो ये जमीन पिंड की अलॉट जी जमीन है शामलैंड जमीन वो बचाई जा सके।
बिल्कुल रमन, जिस तरह के नाल इत्थे सेहत मंत्री दे गंभीर इल्जाम लग रहे ने, हुण सरकार दा इसते की रुख रहेगा, इसते सबदी नजर आने, क्योंकि इस तो पहला भी कई घोटालों में सेहत मंत्री दे नाम सामने आ चुका है। इस तो पहला धर्मसोत की भी गल की जाए कैबिनेट मंत्री की, तो उन्होंने भी स्कॉलरशिप घोटाले में नाम सामने आ चुका है। लगातार भ्रिष्टाचार वध रहे, तो जे हुण मंत्रियों ते ही इल्जाम लगनगे, लोग किवें सरकार ते भरोसा करनगे, ये भी एक वड्डा सवाल है। जी स्वाति बिल्कुल, जेकर असी यह भ्रिष्टाचार का रस्ते में लभिए तो रस्ता सीधा 222 घर वाल जाता है, क्योंकि जो रजिस्टर्ड हैगी गौशाला जी बनाई गई है, जो गौशाला कमेटी बनाई गई, जो रजिस्टर्ड हैगी सीधी 222 घर के नंबर से रजिस्टर्ड है, जो बलबीर सिंह सिद्धू की निजी है, और एफिडेविट भी जोड़ा है विभाग के कोल, डिपार्टमेंट के कोल, उन्होंने अपने निजी रह के पते से ही जमा करवाया होया है। पूरी जो छानबीन मामला सामने आता तो पता लगता है कि 100 करोड़ों वी जी मलकीयत वाली जमीन हैगी, सिर्फ 25,000 रुपए पर साल जी 2.5 लाख रुपए मतलब 10 एकड़ की बनेगी, और 33 साल लीज से लैन की एक तैयारी जी है बलबीर सिंह सिद्धू वालों अपने चेतियां के नाल रल के लई गई है। और इस मामले से सरकार जी चुप है, बलबीर सिंह सिद्धू लगातार इस मामले से बोलने तो बाद चले ने, और दूजे पास उन्होंने भरा जी सिद्धू जी मेयर ने लगातार कह रहे हैं कि बिलोंगिंग जल्द ही जरा है कारपोरेशन का हिस्सा वो बना लिया जाएगा, यानी कि सीधे तौर पर जी जमीन से कब्जा जरा है वो बलबीर सिंह सिद्धू के नाम से जरा है, शुक्रिया गलबात लई।